वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने अजीबोगरीब फरमान जारी किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्वच्छ वातावरण में सुबह और शाम घूमने पर फीस लगाई है। विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर ने बकायदा इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के इस अजीबोगरीब फरमान का विश्वविद्यालय कैंपस के साथ शहर भर में चर्चा है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कैंपस में सुबह और शाम जॉगिंग करने वालों से 500 रुपये प्रति महीने फीस ली जाएगी। इसके अलावा 250 रुपये देकर वो अपना जॉगिंग आई कार्ड भी बनवा सकते हैं। इस आई कार्ड को देखने के बाद ही उन्हें सुबह और शाम यहाँ परिसर में घूमने के लिए एंट्री मिलेगी। इसके लिए आधार कार्ड और फोटो के साथ लोगों को विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर ऑफिस में संपर्क करना होगा। विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर अमिता सिंह ने बताया कि कैंपस में सुबह और शाम जॉगिंग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही थी, जिसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। छोटा सा कैंपस है विद्यापीठ का, क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत छोटा है, और जहाँ पर लोग टहलते हैं वहाँ पर दो छात्रावास है हम छात्रों के, तो बच्चों का विरोध हुआ तो कम से कम संख्या कम हो इसलिए हमने कुछ शुल्क निर्धारित किया है। ये जो 60 साल के ऊपर के चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो उनके लिए निःशुल्क है, क्योंकि कोविड में आप सबने देखा होगा कि टहलना स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा माना गया। योग करिए या टहलिए, योग तो मैं ऐसे भी महिलाओं को निःशुल्क पूरी काशी की महिलाओं को 2 माह से करा रही हूँ, तो 60 साल के ऊपर के जितने भी मतलब कि काशी के वासी हैं उनको टहलना निःशुल्क है, लेकिन पर्चय पत्र एक बनवाना होगा। पर्चय पत्र के लिए उनका आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो और पर्चय पत्र बनवाने के लिए 250 शुल्क देना होगा, और प्रत्येक माह की शुल्क निःशुल्क है उनके लिए। जो 60 साल के नीचे हैं कैंपस में आके लोग बैठे रहते हैं और अपने हिसाब से इंजॉय करते हैं, तो उसको रोकने के लिए मैंने 500 शुल्क निर्धारित किया है प्रत्येक माह का।